आज मैं आया हूँ, जो करंट सिचुएशन चल रही है, कोई शास्त्र पढ़ाने नहीं आ रहा मैं। कुछ मेडिटेशंस मैं ऐसे बताने वाला हूँ और कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपके काम आ जाए, हमेशा के लिए काम आएगा। ये कोरोना तो है, ये तो एग्जाम की तरह है, अभी निकल जाएगा, फिर आगे भी पढ़ाई करते ही रहना है। जो डर है ना, अभी जिस चीज से हम डर रहे हैं और उसका आगे क्या करेंगे, क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, कैसा डाइट रखना चाहिए हमेशा के लिए, अभी भी डाइट कैसा रखना चाहिए और उस कौन सा मेडिटेशन यूज करें अभी के टाइम में, मेडिटेशन से इस पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, इसको हम आगे ले चलते हैं। सबसे पहले तो एक है, मेरे पास एग्जाम्पल के साथ है, कोरोना जो है ना, इससे संबंधित मिलता जुलता है डरो ना। डर के आप इसको ज्यादा बल दोगे, डर के आपके डर की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। कल मैं एक जगह काम कर रहा था, वहां पर जो महानुभाव थे उन्होंने सुबह सुबह कहा कि मुझे थकान सी लग रही है, थकान तो हर किसी को होती है। फिर एक दो घंटे मैं देख रहा था, इनको कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं उनके पास जाता, वो थोड़े दूर हो जाते, वो एक मीटर की दूरी पे चले जाते, जो जितना ज्ञान था उनको वो उतने पे चले जाते, मुझे हंसी भी आती। और फिर दोपहर में भी उन्हें थोड़ी गले में दर्द होने लगी, उसके बाद दो चार खांसी आ गई। शाम को वो कह रहे हैं कि मुझे चेक करवाना है, फाइनली मुझे चेक करवाना है, मुझे ऐसा घबराहट सी मुझे लग रही है। घबराहट जो है ना, जो मैं कह रहा हूं डरो ना, ये सबसे मेन बात है आपके अंदर उस वायरस को, या किसी भी वो वायरस ना भी पैदा हो, तीसरे वायरस को पैदा कर देगा, जिससे कम से कम आपको कुछ निमोनिया तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाएगा। इस डर से, डर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो आपके अंदर बीमारी को पैदा करने वाली फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा के लिए। कभी भी किसी चीज से जब डरेंगे आप, दुर्भाग्य से जब डरते हैं या कोई और चीज से जब डरते हैं, तो उसको और ज्यादा बुला लेते हैं। डर डर के आप उसको सबल कर देते हैं, उसको आप फिजिकल रूप में पैदा कर देते हैं, ऐसा रहता है। उन्होंने फिर कहा, शाम को मैं गया उनके साथ, वो मेरे से दूरी रख के चल रहे थे, चल के गए थे, गाड़ी में गए ही नहीं थे, थोड़ी दूर में था। और वहां पर हम लोग गए, उन्होंने बीपी चेक कराया तो 90/135 था, और बुखार चेक कराया 98 था उनका। फिर हम लोग आगे, आज भी सही है वो, कल भी सही थे, अगर उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया ज्यादा वो डर जाते तो हो सकता है कि उनको और कोई परेशानी हो सकती थी। डरने की तो जरूरत है नहीं किसी भी तरीके से, बिंदास जीना अभी के टाइम में, चाहे जैसे भी जियो, बिंदास जीना किसी भी तरीके से। यहां से जब मैं एंड कर रहा होऊंगा तो बिंदास कैसे जिएंगे बिना डर के, ये मैं आपको बता चुका हूंगा। अभी तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आप ये चीजें मत करो या ये चीजें करो, जो आपने 50 बार सुना होगा, ऐसे ऐसे करो, जिसको आपने फॉलो किया होगा या फॉलो नहीं किया होगा, उस तरह से आपने सुना होगा इसको। जब मैं इसको एंड करूंगा तो उस टाइम में आपको ये सारे तरीके बता चुका होगा कि ऐसे ऐसे आपको डरना नहीं है, अपने आप ही डर खत्म हो जाएगा, इससे आप बिंदास रहना शुरू कर दोगे, मजे मजे में रहना शुरू कर दोगे अंदर से। दूसरा है, स्वच्छ रहें, अभी ज्यादातर आप स्वच्छता रखें, जितना साफ सफाई से रह सकते हैं उतना रहिए, पंखा एसी मत चलाइए, अभी प्राकृतिक जैसा शरीर, जो जो प्रकृति जैसे जैसे ला रही है उसको 1-1.5 महीने के लिए आप झेलिए, शरीर को अपने आप होने दीजिए, उतना सबल होने दीजिए। बच्चों को नींद ना भी आए तो भी पंखा एसी अभी मत चलाइए, एसी का समय तो इधर नहीं हुआ है जहां मैं रहता हूं, और जहां कहीं हो गया हो यहां पंखा का तो हो चुका है थोड़ा थोड़ा, मगर वो कभी भी मत चलाइए, पंखा एसी मत चलाइए, ज्यादा खुले हवा में मत जाइए, ज्यादा लोगों के संपर्क में मत आइए। इसका मतलब दूसरा है, अभी हम और एक फील्ड पे बात करेंगे, ज्यादा लोगों के किस संपर्क में, कैसे संपर्क में ना आए, उनके और एक फील्ड में भी मत आइए, उनका जितना औरा होगा उस फील्ड में भी मत आइए, औरा भी टच मत करिए लोगों के। योगा करिए, एक्सरसाइज मत करिएगा, जिमिंग वाला जिससे थकते हैं। देखिए क्या होता है ना, इस अभी डर किसका है कि थकान हो रही है, अभी जो डर है ना वो हमें इस चीज का डर है कि थकान हो रही है, थकान से गले में दर्द हो रहा है, गले में कहीं ना कहीं सूखापन कुछ ना कुछ आ रहा है, जिससे और ज्यादा ऊपर कुछ हो रहा है, ये मानसिक वायरस हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ है ना तो मानसिक वायरस हो जाएगा, कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम होगी, तो उस तरह का काम ही मत करिए। आप एक्सरसाइज करेंगे, कैसा भी डाइट फॉलो करते हो या कुछ करते हो, आपको थकान रहती ही है, जो जिमिंग करेंगे तो इससे थकान रहती है। आप सूर्य नमस्कार करिए, योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में 1-2 एक्सरसाइज अभी आपको बताता हूं, और
किसी भी वायरस को, स्वादिष्ठान चक्र आप लोगों ने सुना होगा, स्वादिष्ठान चक्र हमारे शरीर में वाटर को गवर्न करता है। वाटर में ही कोई भी एलर्जी होती है, वायरस जो पनपता है ना पूरे शरीर में एक बार में, तो वाटर से ही पनपता है। आपका स्वादिष्ठान चक्र के लिए मैं एक साउंड बताऊंगा, उस साउंड को आपको करना है जिससे एलर्जी खत्म हो जाएगी, अंदर से वायरस खत्म होना शुरू हो जाएगा। योग करिए, मेडिटेशन करिए ज्यादा से ज्यादा जो मैं अभी बता रहा हूं, और दो बार नहाइए डेली गर्म पानी से, एक बार सुबह जो नहाते हैं वो, एक बार शाम को। अगर कहीं घर से कोई बाहर जाने वाला है और बाहर जाके जब घर आता है तो उस टाइम में आप दो बार नहाएं डेली। ये तो हो गया आपको प्रिकॉशन लेने का। डाइट क्या लें, डाइट में एक मैं आपको आजमाया हुआ बताता हूं। मुंह से जो लेंगे हम आहार जो लेते हैं वो सभी इंद्रियों से लेते हैं। हम आहार लेते हैं मुंह से लेते हैं, नाक से लेते हैं, आंख कान और टच से लेते हैं। पांचों इंद्रियों से हम आहार लेते हैं। ये भूल जाइए कि केवल मुंह से आहार लेंगे वही केवल काम आता है। नाक से जो लेते हैं, जो हम सूंघ के लेते हैं, जो हम देख के लेते हैं, सुन के लेते हैं, अभी तक जो आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना है वो केवल कान से आहार लेकर यहां तक पहुंचे हैं। आंखों से भी नहीं देखा है ठीक से आपने, और तो किसी इंद्रिय से आपने किया ही नहीं है, केवल कान का आहार है जो पूरे हमारे यहां पर जो चल रहा है और जहां जहां जो चल रहा हो, मगर ये कान का आहार है, ये तो आपने देखा ही है। मुंह से जो आहार लेना है, जो हम खाते हैं उसमें हमें ऐड क्या करना है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को और इन चीजों को भी अंदर से जो स्ट्रॉन्ग करेगा और आने नहीं देगा, पनपने नहीं देगा, उसमें देखिए आपने कलौंजी का तेल सुना होगा। कलौंजी का तेल लीजिए 4-5 बूंद सुबह सुबह, जब मुंह बासी हो, जब आपने कुल्ला ना किया हो। कभी भी लाइफ में ध्यान रखिए, कुल्ला किए बिना सुबह उठते ही आप गुनगुना पानी एक ग्लास पूरे लार को लेकर पेट में डाल दीजिए, वो सबसे बड़ी दवाई है आपकी। एक लार के बारे में भी मैं बता देता हूं आपको, सलाइवा जो होता है ना वो। कलौंजी का तेल लीजिए एक ग्लास पानी में, या जितना आप उस टाइम में पिए एक ग्लास पानी में, अगर 5 बजे सुबह उठे तो। ये सबसे ज्यादा आजमाया हुआ अचूक मेरा नुस्खा है, और उसके बाद का भी है, 7-8 बजे जितना भी करता होगा, 5 बजे का बहुत अच्छा होता है। 5 बजे बच्चे को पिला दीजिए, दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, आप लोग पीजिए, पूरा शरीर ही अच्छा रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है पूरे शरीर में। कलौंजी का तेल लीजिए 4-5 बूंद डालिए एक ग्लास पानी में, गुनगुने पानी में, और उसको पी जाइए। इससे आपके शरीर में दर्द वगैरह से संबंधित और भी चीजों से संबंधित एक दो जगह तो ये बिल्कुल आजमाया हुआ है, जो ला इलाज बीमारी है सोराइसिस में ये 100% परफेक्ट बैठता है। महीने दो महीने डेढ़ महीने में ये आपके सोराइसिस को 70% प्लस ठीक कर देता है, सोराइसिस जैसी बीमारी को। दूसरा आप लीजिए कलौंजी का तेल लीजिए। अगर किसी को नहीं समझ में आए कैसे लेना है और किस किस टाइम लेना है तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ लेना, या मेरा नंबर कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, यहां ढूंढ लीजिएगा 9568085555, इस पे आप मुझे कभी पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप करके भी, मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा। दूसरा हल्दी को ऐड करिए ऊपर से, जो आप मसाले में करते होंगे सब्जी वगैरह में वो नहीं, ऊपर से हल्दी को ऐड करिए। हल्दी को दूध में डाल के लीजिए, दर्द होता है ना शरीर में, थकान सी महसूस होती है, ये हल्दी थकान पहले से ही मिटा देगी आपके अंदर से। ये आप ऐड करिए अपने खाने में अभी के टाइम में, अभी दूध में करिए, पानी के साथ भी ले सकते हैं, गुनगुना पानी के साथ। और बीपी के मरीज इसको कम करें, बहुत कम लीजिएगा, या आपको एक दो दिन लेकर अगर आपको लगे कि बीपी ज्यादा है तो उसको आप खत्म मत लीजिएगा, उसके लिए फिर आप मुझे इनबॉक्स कर लीजिएगा, मैं दूसरा कुछ बता दूंगा, मुद्रा बता दूंगा कुछ ठीक ठाक। विटामिन सी को ज्यादा से ज्यादा ऐड करिए अपने शरीर में, दवाई से नहीं, एलोपैथी के दवाई से नहीं, विटामिन सी को आप ऐड करिए खाने से, मौसमी से, नारंगी से, इन चीजों से। आप ये समझिए 55 से 60 मौसमी को जब आप जूस निकालेंगे तो 6 से 7 ग्राम विटामिन सी आपके शरीर के अंदर जाएगा, और अभी के टाइम में 4-5 ग्राम विटामिन सी आपके अंदर जाना बहुत जरूरी है। आपके WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसका प्राण है विटामिन सी, जो बीमारियों से लड़ने के लिए, जीवाणुओं कीटाणुओं से, वायरस से लड़ने के लिए जो आपका जो ब्लड सेल है उसका प्राण है ये जितना स्ट्रांग रहेगा वो उतना ज्यादा लड़ पाएगा।
विटामिन सी को ज्यादा से ज्यादा ऐड कर लीजिए अभी के टाइम में। ये खाने की बात बता रहा हूं मैं, नॉनवेज मत खाइए। नॉनवेज में क्या है कि नॉनवेज से ही ये पैदा हुआ है। आप जिस फ्रीक्वेंसी के जानवर को मार के आपने खाया है वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर चली जाती है। जिस फ्रीक्वेंसी के जानवर के, टर्मिट को अगर आपने मार के खाया है, आपने उस सांप को आपने मार के खाया है या कुछ और आपने मार के खाया है, इस हिसाब से मार मार के आपने खाया है तो वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर चली जाती है। आपको पता है कुछ लोग इसमें जियोपैथिक स्ट्रेस से संबंधित होंगे या उनको आता होगा, उसमें सिखाया भी जाता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से क्या होता है। वास्तु वालों की बात कर रहा हूं मैं। वैसे आप समझिए कि हमारे शरीर की लास्ट फ्रीक्वेंसी 7.83 मेगाहर्ट्ज की होती है, लास्ट रेड कलर की, जो मूलाधार चक्रा की आप लेंगे। और इसके ऊपर की अगर हम जाते जाएंगे कहीं पर 15, 16, 17, 18, 40 तो बहुत ज्यादा हो जाती है ना, जैसे बुखार होता है। इसमें होता क्या है, कंपन होती है, बुखार में भी कंपन होती है, वही फ्रीक्वेंसी है। आपको इसको सेट करना होता है, इस कंपन को। इसके लिए मेडिटेशन तो मैं अभी बता ही रहा हूं, आहार को मैं दे लूं, डाइट मैंने बोला था आपको, तो डाइट मैं दे लूं, उसके बाद आप इसको करिए। नॉनवेज अभी खाइए मत, इसलिए नहीं कि वो नॉनवेज है उसमें कोई वायरस है, इसलिए कि आप उसको पचा नहीं पाएंगे अभी के टाइम में। अभी के टाइम में जो उस वो शरीर से संबंधित जो चीजें होंगी ना, उसमें कभी अगर मैं और लाइव आया शरीर पे आया कि क्या क्या होता है किस आहार से, तो उसको मैं ले लूंगा। अभी तो आप इसको सीधा सीधा समझिए। नाक से आप जो आहार लेते हैं प्रतिदिन, एक काम करिएगा, अभी अगर आपको कोई दान देना है या कुछ भी करना है तो केवल एक दान दे सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके का दान मैं आपको बता रहा हूं, इस पर्यावरण को जो आपको दिन रात जिंदा रख रहा है उसको। आप पंचगव्य जानते होंगे, जो हवन की, जो हवन सामग्री जो होती है उसको लीजिए, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो अपने घर में अभी बनाइए, और जहां आप रहते हैं वहां ब्रह्म स्थान पे, ब्रह्म स्थान मतलब बीच का भाग, आप ऐसे क्रॉस कर देंगे जहां रहते हैं, उसका जो ब्रह्म स्थान होगा उस पर उस हवन के ध्वनि को, उसको आप ध्वनि को जला लीजिए। अगर कोई मुस्लिम भाई होंगे इसमें तो उनके यहां जो ऐसा कोई पवित्र धुआं हो उसको आप कर लीजिए, या ये पवित्रता ही है, इसमें कोई धर्म ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है। ये बहुत पवित्र धुआं है, वो हम यज्ञ करें अभी कहीं पर एक जगह एकत्रित करें सभी लोगों को, वहां जाके सबको ठीक करें, हो सकता है ऐसा संभव ना हो अभी। अभी एक एक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के नीचे, अपने घर में तो ये कर ही सकते हैं, दूसरा छत पे कर दीजिए, अपने घर के छत पे, और हो सके तो अपने घर के छत पे आप इस तरीके का एक हवन कुंड बनाओ और उसमें आप जितना पंचगव्य को जला सकते हो, इस वातावरण में उस धुआं को फैला सकते हो, उतना फैलाओ, कुछ दिन में आपको दिखने में मिल जाएगा सब खत्म, आपकी तरफ तो स्वस्थ है ही सब, ये मान के चलिए। और जितना ये नॉलेज हो सके, इस धुएं वाला नॉलेज, ये सबको आप दीजिए, अपने रिश्तेदारों को दे दीजिए, अपने पड़ोसियों को दे दीजिए, जो जो आपके समझ में आए कि ये लोग आपकी बात मान सकते हैं, ना माने तो आप जला लो ना बाहर में, चंदा कर लो अपने मोहल्ले में जलाने के। जैसे हम होलिका दहन करते हैं, होलिका दहन वाले दिन भी मेरे माइंड में आया था कि मैं, मगर मेरे माइंड में बाद में आया था कि ऐसा मैं दूं, तब तक देर हो गई थी। अब इसको आप कर सकते हैं, कहीं पर भी आप आग जला लो और वहां पर इस पंचगव्य को जला दो, चंदा करके हो तो भी, जैसे भी हो, खुद हो तो भी, आप इस पर्यावरण को इस धुआं का दान दो, सारे वायरस खत्म कर देगा ये। एक सूंघने में जो आ रहा है, आप अपने घर में भी जलाओ, लंग्स साफ कर देगा, ये धुआं खराब नहीं होता है, बाकी के धुएं जितने भी खराब हो इसको सूंघने से खराबी नहीं होती है अंदर तक जाके। अब बहुत ज्यादा किसी कार्बन को लेंगे उससे प्रॉब्लम तो होगी ही, मगर एक मात्रा में, थोड़ा मात्रा में जलाइए, फिर बाद में शाम को जला लीजिए, फिर जलाइए। मैं भी अपने यहां कर रहा हूं, स्वस्थ हूं, ठीक रह रहा हूं, इसको करिए, प्रतिदिन जलाइए, फ्रेश एयर लीजिए और भाप लीजिए। नाक से जो है ना भाप, जो हम लोग एक पानी डाल के जो उसमें लेते हैं ना नाक में लगा के, वो लीजिए एक बार दो बार, दिन दो दिन, एक दिन में आप एक बार ले लो, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सूखी चीजें हैं, अभी ऐसा है कि सूखा सूखा कुछ चल रहा है, आप देखोगे ना गर्दन में सूखापन आ जाएगा, फिर गर्दन में दर्द होने लगेगा, उसके लिए मुद्रा में बता देता हूं अभी आपको, इससे अगले वाले में। फ्रेश एयर आप कैसे लेंगे, एयर तो यही है, आप जब उस धुआं से शुद्ध कर देंगे एयर को तो फ्रेश एयर हो जाएगा। और एक मैं ब्रीदिंग का तरीका आपको बताता हूं, अभी मेडिटेशन में, आंख से और कान से आप एक ही तरह की एनर्जी ले रहे हैं, कान से डरते हैं,
तो ज्यादा वीडियो मत देखिए कहां क्या हो गया, कौन मर गया, कैसे कैसे हो गया, देखो जी यहां ये हो गया, इसका इतना ज्यादा मृत्यु रेट नहीं है, ये फैल रहा है, फैल ज्यादा रहा है, मृत्यु का इतना ज्यादा रेट नहीं है इसका, बहुत ज्यादा बहुत कम है, इससे ज्यादा तो किसी में भी, आप देखो कैंसर से कितने मरते हैं, टाइफाइड से कितने मरते हैं हर साल, बहुत सारे लोग मरते हैं, किसी भी बीमारी से मर जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना इसी से मरेंगे केवल, इससे कुछ होना नहीं है आपको, ये मान के चलिए कि मुझे कुछ नहीं होना, पहली बात तो आप ये मान लो अंदर से अंदर कि मुझे कुछ नहीं होना, बिंदास मान लो मैं मजबूत हूं, ये ढंग से मान लो, कभी अगर प्रॉब्लम आए, कुछ आपको दर्द महसूस हो या ऐसा हो, पैरासिटामोल ले लो उसी टाइम में, जिससे आपको अभी दो चार दिन पांच दिन अपने आप को टहलाना है किसी तरह से, 10 दिन 31 तारीख तक टहला लो अपने आप को, किसी तरह से आप टाल लो इसको, है कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, जिस चीज को कुछ कुछ हुआ है, ज्यादा ज्यादा जाइए आइए मत, मुझे भी आज आज मुंबई की टिकट थी मेरी, मैं मुंबई गया नहीं, मुझे 24 तारीख को वापस आना था, गया नहीं, और अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जैसे चल रहा है आप लोग भी ऐसे चलाइए, आंख से आप बहुत सारी चीजें लेते हैं, आंख से मत लीजिए, आंख से लेने का मतलब यह है कि कल पूरा दिन आप लोगों के पास जनता कर्फ्यू है, पूरे दिन आप लोग घर पे रहेंगे, आप पूरे दिन मेडिटेशन में रहिए, मैं एक बहुत सिंपल सा मेडिटेशन दे रहा हूं, अभी आगे चलते में मैं सिंपल सा मेडिटेशन दूंगा, उस मेडिटेशन में आप पूरे दिन रह सकते हैं, सांस तो लेते हैं ना, बस सांस से संबंधित दे रहा हूं, आप करते रहिए, काम करते रहिए, जो भी करना है आंख बंद रखें तो बहुत अच्छा है, काम भी करते रहेंगे उसको लेते रहेंगे, सांस से संबंधित मैं आपको एक मेडिटेशन दे देता हूं, उसको रखिए, स्पर्श मत करिए लोगों को, टच जो है कान से भी मत लीजिए, आंख से भी मत लीजिए, डरना कान से ही होता है, स्पर्श मत करिए, स्पर्श का मतलब हाथ से ही टच करना नहीं होता, ऑरिक फील्ड में भी मत आइए, किसी के ऑरिक ऑरा जो होता है ना, आप अपने ऑरा के अंदर हैं, ऑरा आपका नहीं होता, आप ऑरा के अंदर हैं, आपका ऑरा होता है एक स्वस्थ आदमी का ऑरा कम से कम 2-3, 3.5 मीटर तक का होता ही है, अस्वस्थ आदमी का ऑरा होता है 1-1.5 मीटर तक उसका भी होता है, अस्वस्थ आदमी जो होता है वो, आप 2-2.5 मीटर के अंदर किसी आदमी से मत टकराइए, इसका कहने का मतलब यह है कि 2-2.5 मीटर 3 मीटर तक किसी आदमी से मत टकराइए, ऑरा भी टच नहीं करे आपसे, आप आंखों से भी टच मत करिए किसी से, आप आंखों से जो किसी को देखते हैं वो भी मत करिए, आंखों से भी टच मत करिए, तो कुछ दिन आप घर से कम जाओ, कम आओ, मजे के लिए ऐसा मेडिटेशन दे रहा हूं मैं, ऐसी चीज दे रहा हूं आपको जो आप करते रहिए, जीवन का भी भला हो जाएगा, और अगर उसमें आपको मजा आ गया तो आगे और भी बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। कुछ मुद्रा आपको बता देता हूं मैं मेडिटेशन देने से पहले। देखिए, एक है शक्ति मुद्रा, सांस के लिए है शक्ति मुद्रा, ये है आप इसको लीजिए, अंगूठा लीजिए, ये अग्नि होती है, इसको ढक दीजिए ऐसे, ठीक, इसको आपने ढक दीजिए, आप लोग अभी अभी करिए, आपकी सांस तेज हो जाएगी, नेवल तक पहुंच जाएगी, ये मुद्रा है, ये शक्ति मुद्रा है, इससे एलर्जी और भी बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर खत्म होने लगती है, इसको आप वैसे भी कर लीजिए, जो मैं मेडिटेशन अभी बताऊंगा उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इस मुद्रा की, इसको आप जैसे आप मेडिटेशन में मैं अभी बता दूंगा उसमें करिएगा। एक है प्राण मुद्रा, जो बुखार थकान इन चीजों को दूर करता है, आपके शरीर में एनर्जी का प्रवाह करता है, ये वाला 4-5 मुद्रा मैं आपके लिए अभी छांट के लाया हूं जो आपको मुझे बताना है, इनको आप समयानुसार जैसे जैसे टाइम मिले आप लोगों को और जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम हो जिससे संबंधित हो उस हिसाब से आप इस मुद्रा को लगाइए। जैसे आप प्राण मुद्रा लगाएंगे आपके पूरे शरीर में प्राण का संचार होने लगता है, ये इंजेक्शन से ज्यादा असर करता है, मुद्रा की मेरी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है आप उसको देख लीजिए, वो आप उससे मुद्रा सीख सकते हैं पूरी तरह से, ये प्राण मुद्रा है, इससे आपके शरीर में प्राण का संचार होता है, बुखार थकान और ऐसी चीजें, अब आप समझिए ये क्या कर सकता है, मैं हाथ को अगर ऐसे ऐसे कर लूं ना, ये देखिए ऐसे बेंड किए रखूं हाथ को बहुत देर तक ऐसे किए रखूं तो मेरे हाथ में झंझनाहट हो जाएगी, या कभी आप वज्रासन में बैठे होंगे, ऐसे नहीं बैठे हो, वज्रासन दोनों पैर को मोड़ के जो बैठा जाता है इसमें, तो पैरों में झंझनाहट होने लगती है, पैर में सुन्नपन आ जाए, शरीर में कहीं भी सुन्नपन आ जाए, कभी आपको ऐसा लगे कि मैं बेहोश सा हो रहा हूं, घबराहट सी हो रही है बहुत तेज, घबराहट नहीं, बेहोश सा हो रहा हूं अंदर से, जब आप हो नहीं तो आप इस मुद्रा को लगाओ, इस मुद्रा को लगाओगे विद इन
3 सेकेंड, 3 गिनिए। झंझनाहट जो होती है ना, झुंडपन जिसको बोलते हैं, वो झंझनाहट 3 सेकेंड के अंदर खत्म हो जाएगी। जब आप पैर सीधा करते हैं, ऐसे करते हैं, तब भी नहीं हो पाता है, फिर पैर को ऐसे एक आध उंगली चटकाते हैं, तब भी नहीं हो पाता है, 2-4-5 मिनट तक आपको लगे, 3 सेकेंड के अंदर ये मुद्रा खत्म कर देता है, प्राण पहुंचा देता है वहां तक, लगाते ही जहां शरीर में जहां प्राण की जरूरत होती है वहां प्राण पहुंचा देता है। इस मुद्रा को आप जब भी आपको थकान लगे या ऐसा जब डर लगे कि मुझे बुखार तो नहीं हो गया, मुझे कहीं थकान तो नहीं हो गया, आप गले में तो दर्द नहीं हो रहा, जैसे मैंने सुबह शुरू एक कहानी बताई थी शुरू में, तो उस टाइम में आप इस मुद्रा को लगाइए। इस मुद्रा को लगाने से आपका वो डर खत्म होने लगेगा, थकान अंदर से खत्म होने लगेगी। तीसरा है मृत संजीवनी मुद्रा। मृत संजीवनी मुद्रा जो बनाते हैं, वायु मुद्रा बना लेते हैं, फिर ये अपान वायु मुद्रा। ये अपान मुद्रा होता है, अपान वायु जो चलता है हमारा, आपका आपके अंदर जो अपान वायु चलता है वो नेवल से नीचे की तरफ चलता है। 5 प्रकार के वायु होते हैं, वो आप देख लेना उधर। ये अपान वायु मुद्रा है, ये मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो, आ चुका हो, उस टाइम में आदमी ये मुद्रा लगा ले। आप लगा के टेप बांध दो, वो ना लगा पाए, वो बिल्कुल अचेतन अवस्था में हो, तब भी आप टेप बांध दो ये मुद्रा लगा के, तो वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा ये मुद्रा लगा के। अब इससे मैं अभी क्यों बता रहा हूं, ये आपके दमा अस्थमा ऐसी चीजों में बहुत काम आती है। लंग्स से प्रॉब्लम जो हो ना, जहां सांस पूरी ना चल रही हो, घबराहट हो रही हो, बहुत मिचमिचाहट हो रही हो, ऐसे लग रहा हो कि कुछ हो तो नहीं गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, ऐसे टाइम में आप ये मुद्रा लगा के सांस लेने लगो। सांस की मैं अभी बता रहा हूं आपको, मेडिटेशन में ये मुद्रा लगा के आप सांस लेने लगो। इस ये मुद्रा बहुत काम की है। आप इस मुद्रा को ऐसी यहीं से वीडियो को देख लेना, इस मुद्रा को आप यहीं से कर लेना काम। यहां से आपका जिस संबंधित आप लगाओगे, ये तो किसी भी संबंध में काम आ जाता है। एक शंख मुद्रा है, अगर आपको फिर भी इतना कुछ ना हो और तब भी आपको ये लगे कि गर्दन में तो पेन मुझे है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप 1 घंटे के लिए शंख मुद्रा लगाना और हम की ध्वनि निकालना। विशुद्धि चक्र पे हम की ध्वनि होती है। शंख मुद्रा है, आप ये अग्नि है, ये जो अंगूठा होता है ना, इसको अग्नि बोलते हैं। इसको आप पूरा ऐसे चारों से ढक दो ऐसे इसको, और ये आपने ढक दिया, फिर जो ये मध्यमा है मिडिल फिंगर, उस पे ये अंगूठा ऐसे लगा दो। अब ये शंख जैसा हो गया ना, शंख जैसा बन गया ये मुद्रा। ये मुद्रा आप लगाओ चेस्ट के पास, ऐसे करके चेस्ट के पास, और हम ये ध्वनि आप निकालो 15-20 मिनट के लिए करो, आपके गर्दन का दर्द ठीक हो जाएगा। ये अभी से संबंधित गर्दन गर्दन के दर्द के लिए ये नहीं है, ये हमका जो है ना, ये अभी से संबंधित मैं आपको बता रहा हूं। गर्दन के दर्द के लिए तो आपको मुद्राएं ऐसी हैं जो 2 मिनट में ठीक हो जाए, सीधा सीधा वैसी हो जाए, मगर अभी के लिए बहुत सारी चीजें उसके अंदर भी स्वस्थ हो जाए। अगर कुछ है भी, वास्तव में कुछ चल रहा होगा, तो भी ठीक हो जाएगा उसमें। एक है सूखी खांसी का मुद्रा। अगर सूखी खांसी हो रही हो, जो इसके सिम्टम्स हैं, अभी जिस चीज से हम लोग डरे हुए हैं, जिस भूत से डरे हुए हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं सूखी खांसी वाले, तो उसके लिए आपका जो मुद्रा है, कभी सूखी खांसी हो तो आप ये वाली उंगली जो होती है रिंग फिंगर, इसको लीजिए ऐसे नीचे करिए, ये सूर्य मुद्रा हो गया, ठीक। उसके बाद ये वाटर है और ये आकाश है गर्दन, इन दोनों को लगा लो और ये ऐसे कर लो, ये इससे शरीर गर्म हो जाता है, इससे पानी का संचार होता है, इससे गर्दन में आता है। तो सूखी खांसी जो होती है ना, जो आप जिससे आप डर जाओगे बहुत जल्दी, वो गीली खांसी हो जाएगी लंग्स में, और कहीं ना कहीं से पानी आपको लगेगा कि वो सूखी खांसी से फिर खिंचेगा ना, गर्दन खिंचेगा, गर्दन में दर्द होना चीजें शुरू हो जाएंगी। विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लीजिएगा, कुछ नहीं होना, पक्के तौर पर कुछ नहीं होना। और इन चीजों का उपयोग करते रहिएगा जब भी आपको डर लगे, है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, इतना थकान तो डेली थका हुआ रहता है आदमी, इतना थका, जितने थकान में अभी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये सूखी खांसी का मुद्रा आप उपयोग कीजिएगा अभी के टाइम में, बहुत अच्छा रहेगा। अब चलिए मेडिटेशन, जिसके लिए मुझे लगा कि एक बार लाइव सेशन ले लें। मेडिटेशन अभी के टाइम में कौन सा करें, पहले तो आप वार्म अप कर लीजिए 2-4-5 मिनट डेली सुबह सुबह, सूर्य नमस्कार करते हो तो वो कर लीजिए, जो भी आपको
योगा आता हो वो करिए, शरीर में योगा से थकान नहीं होती है, वेट उठाने से या कुछ ऐसे से शरीर में थकान होती है क्योंकि एक जगह पे आप ज्यादा भार देते हैं, योगा से आपका पूरा शरीर चलता है तो ऐसे ऐसे थकान नहीं होती है। योगा कर लीजिए जो भी करना हो, तेज ब्रीदिंग करिए, जैसे भी कर सकते हैं किसी भी हिसाब से तेज ब्रीदिंग करिए, 5 मिनट के लिए डेली तेज ब्रीदिंग करिए। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं तेज ब्रीदिंग का, दिखा दोगे? आओ इसको देख लीजिए बच्चे को, ये तेज ब्रीदिंग कैसे कर सकते हैं, डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग, उसके बाद वो मेडिटेशन हो पाएगा, नहीं तो सांस लेने का है ना तो जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक हो नहीं पाएगा। आप इस बच्चे को देखिए और ये डीप ब्रीदिंग कैसे कर रहा है, थोड़ा इधर आ, ये डीप ब्रीदिंग कैसे कर रहा है, आप इस बच्चे को देखिए, ये डीप ब्रीदिंग है। इसको और ज्यादा तेज कर सकते हैं, और ज्यादा तेज कर सकते हैं, फास्ट 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 फास्ट, डीप डीप डीप, ऐसा ना हो तो स्टॉप, ऐसा ना हो तो इसको थोड़ा स्लो कैसे कर सकते हैं वो देखिए, पंपिंग, जैसे हम साइकिल में, आप ये समझिए साइकिल में हवा भरते हैं, साइकिल में हवा भरते हैं, पूरा हाथ उठा के नहीं, साइकिल में सीधे आप साइकिल में हवा भरिए ऐसे ऐसे करके ना, साइकिल में हवा भरिए, ये तो ब्रीदिंग हो गई आपकी। इसको 5 मिनट ब्रीदिंग करना है, ये आपको 5 मिनट करना ही करना है, अभी क्या बाद में भी करते रहिए, अभी तो आपके लंग्स को क्लियर करने के लिए, कभी अगर ऐसा रहा ना कि सांस ना लेते की प्रॉब्लम हो, सांस की ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि आप ना ले पा रहे हो या कुछ सांस में प्रॉब्लम हो गई तो लंग्स में इतना फैलाव हो कि प्रॉब्लम ही ना हो, प्रॉब्लम को जनरेट ही मत होने दो ना, आगे कहां जाना है, प्रॉब्लम को जनरेट ही मत होने दो, आ ही नहीं पाएगी वो अपने आप ही। अब एक मैं आपको ऐसा बता रहा हूं जो स्वादिष्ठाना चक्र पे सीधा सीधा चोट करता है, और 3 मिनट करिएगा, वैसे तो ये 10-10 मिनट के चरण हैं, 3-4 चरण होते हैं, एक मेडिटेशन अलग है, डायनामिक मेडिटेशन बोलते हैं इसको, और ओशो के द्वारा बनाया हुआ है, मैं आप लोगों के लिए इतना नहीं कर पाएंगे, कभी आप लोगों को अगर वो मेडिटेशन करनी हो तो मुझेगा मैसेज में, मैं एक अलग से ग्रुप बना के वो मेडिटेशन मैं आपको ग्रुप बना के या जैसे भी हो सकता है अरेंज करके मैं आपको वो मेडिटेशन या और भी मेडिटेशन इस संबंध में आपको करा दूंगा। अभी फिलहाल में समझने के लिए और सीखने के लिए ये आप समझ लो कैसे है। इसके बाद है हु, हु की ध्वनि निकलती है वो कर लो, इसको 3 मिनट करिएगा, ठीक है, थैंक यू। इसको आपको क्या करना है, हु की ध्वनि जो निकालेंगे, आपने कदम रखा, जैसे आप पैर रखते हैं ना दोनों पैर रख, ऐसे पर हु, 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 ये आनी चाहिए, पैर रखा और अपने आप मुंह से ध्वनि आनी चाहिए, और वो ध्वनि नेवल से नीचे से होनी चाहिए, ये जो ध्वनि जाएगी ना वो नेवल के नीचे से होनी चाहिए, अपने आप आपको समझ में आएगा कुछ पिघल गया नीचे से, कुछ पिघल पिघलन सी आपको महसूस होगी, ऐसा पिघल गया नीचे से, ये ब्रीदिंग करिए जो अभी ये ब्रीदिंग है, ऐसा ना भी हो पाए तो जैसे पंपिंग करते हैं हम, हवा डालते हैं साइकिल में हवा डालने के लिए, कोई भी पंप जो करते हैं पंप, आप ऐसे हवा डालिए और उसमें ये वाली, वो जो ये वाली है ये ना भी हो तो आप ये वाली ब्रीदिंग करिए 2-4-5 मिनट के लिए, वो ब्रीदिंग करिए और हु की ध्वनि निकालिए, लिख के दे रहा हूं कुछ पनपना ही नहीं है, हु की ध्वनि निकालिए, कुछ अंदर पनपेगा ही नहीं, विटामिन सी लेते रहिए। अब जब आप ये कर लेंगे, इसके बाद जब आपको ये ब्रीदिंग कर लेंगे तो आपकी नासिका बिल्कुल क्लियर हो जाती है, अगर नहीं करेंगे तो ये मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे जो मैं बता रहा हूं, इसलिए ना हो पाए तो 2-4-5 मिनट दौड़ लगा लीजिए, घर में ही दौड़ लगाना है, मगर बिल्कुल नासिका क्लियर हो जाए, किसी तरह से आपको नासिका को जो जितने साइनस है ना पूरे साइनस को क्लियर करना है, नहीं तो जब आप ये जो मैं बता रहा हूं ये करते रहेंगे ना तो आप अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके विचारों में आप खो जाएंगे, ये विचारों को सेट कर देता है कुछ देर के लिए, आपके शरीर से तादात्म्य तोड़ देता है विचारों का, ये जो ब्रीदिंग करेंगे तो, और जो डरेंगे या चीजें जो नॉन स्टॉप चल रही होंगी वो उसके तादात्म को भी तोड़ देगा, ये उसके संबंध को भी तोड़ देगा, कुछ
पल के लिए डर आपका रुक जाएगा। जब हु करेंगे तो पूरा शरीर सेट हो जाएगा। एक तो आप कूदेंगे, ना कूदना हो किसी पे, ना कूदना हो पाए तो खड़े हो जाइए और नीचे समझिए पैर है और पैर से वाइब्रेशन दीजिए ऐसे खड़े होके सीधा, और वाइब्रेशन देने के बाद हु निकले वो निकले नेवल के नीचे से, नेवल से निकले सीधा। नेवल को सेट करिए और नेवल को नाभि को सेट करिए। जब आप मां के गर्भ में होते हैं तो सारा का सारा खाना आप नेवल से ही ले रहे होते हैं, नेवल पर आपका प्राण बसा होता है, प्राण जो है वो आपका नेवल पर ही होता है। नेवल से जैसे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, नेवल से जैसे आप हटते हैं, नेवल से जैसे आप दूर होते हैं तो आप बेचैन हो जाते हैं, आप अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी विचारें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, मैं इस बात को अनुभव से बता रहा हूं, कोई क्योंकि शरीर से निकलने का भी अनुभव है मुझे, उस टाइम भी जब आदमी बिल्कुल मर सा रहा होता है, अगर वो सीधा चला जाएगा नेवल पे तो या तो नेवल से निकल जाएगा, बिल्कुल सेफ यात्रा है, या शरीर में प्राण आना शुरू हो जाता है। आप इस बात को समझिए। अब आप इस मुद्रा को, ये जो बता रहा था मैं शक्ति मुद्रा, इसको याद रखिएगा। जो मैं मेडिटेशन बता रहा हूं, ये आपको फुल डे जितनी बार हो सकता है उतनी बार पूरे दिन करते रहिए। रात में जब सोते हैं, अभी के टाइम में सोते टाइम में तो पक्का करिए, जो शराब पीने वाले लोग हों वो भी सोने से एक दो घंटे पहले शराब पी के आप खत्म करना, ये करते करते सो जाना। सांस लीजिए, इतना शरीर को आपको वार्म अप करना है तभी शरीर जगह देगा आपको ये करने के लिए। सांस लीजिए, अब मेडिटेशन शुरू कर रहा हूं मैं, सांस लीजिए पूरी तरह से नेवल तक, पूरा नेवल तक सांस लीजिए और नेवल से सांस छोड़िए पूरा, लंबी सांस लीजिए, धीमी सांस लीजिए, पहले तो आवाज आएगी इसकी, बाद में इसकी आवाज भी नहीं आनी चाहिए, धीमी सांस लीजिए नेवल तक। ऐसा होगा, इसमें दो तरीके का हो जाएगा, एक जगह आपको बहुत लंबा टाइम करना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा, मैं आपको सीधा समझा देता हूं। इसमें दो तरीके का हो जाएगा, एक होगा जो आप सांस लेंगे ऐसा लगेगा जैसे यहां से आपको आवाज आ रही घिघियाने की, सांस लंबी लेंगे तो शरीर अपने आप, शरीर को पता नहीं है ना कैसे करना है, तो वो जब एक घिघियाने की आवाज आएगी ऐसे जैसे खांसते हैं ना उसकी आवाज आएगी, घिघियाने की आवाज आएगी, वो वाला नहीं लेना है आपको, नेवल को सांस लिवाना है, पेट को उठाना है, नाक से तो अपने आप हवा अंदर जाएगी इसलिए हवा सीधी फ्रेश हवा लेनी है। इसका स्वाद होता है, इस वाली हवा का ना जब आप लेंगे उसका स्वाद नहीं आएगा, इसका स्वाद आएगा, बड़ा अच्छा स्वाद होता है। सांस देते हैं ना आप शरीर में, इसको दीजिए नेवल तक और नेवल से इसको पूरा का पूरा नाक के बाहर, छोड़ते टाइम में यहां पर ध्यान हो, लेते टाइम में बिल्कुल नेवल पे ध्यान हो, प्राण पे ध्यान हो, नेवल पे आपका प्राण लगा हुआ है। आप जब मां के गर्भ में होते हैं तो वहीं से खाना खाते हैं, और जब इस मां के गर्भ में, प्रकृति के गर्भ में आप हैं तो भी यहीं पर आप ध्यान देंगे तो इससे जुड़े हुए रह जाएंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे, और जब जब आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे आपकी हीलिंग चालू हो गई रहेगी, चाहे आप उस टाइम में आंख खोल के रहो या आंख बंद करके रहो, नेवल से जुड़ेंगे आपकी हीलिंग चालू हो जाएगी। जो भी कुछ शरीर में विकार रहेगा, विकार आता रहेगा, विकार आ रहा होगा, वो नहीं आएगा, चला जाएगा, हट जाएगा। ये इसको आप सोते टाइम में करिएगा, और जैसे आप बेड से, आप आज रात में सोएंगे, आज रात में सोते टाइम में करिए, अभी भी आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, एक दो मिनट चार मिनट आप पूरा नजल फ्री कर लो, ये जो है ना पूरा नॉस्ट्रिल है और उसके बाद साइनस है जहां से पूरी हवा जाती है अंदर तक, इसको आप फ्री कर लो। इसको फ्री करने के बाद आप सांस लो और ये ले लो, इससे अपने आप सांस, इसको आप लगाए रखो, दिन में ज्यादातर लगाए रखो इसको, इससे अपने आप, अभी आप लोगे तो सांस अपने आप अंदर नेवल तक जानी शुरू हो जाएगी और नेवल से बाहर आनी शुरू हो जाएगी, ये लगाए रखेंगे तो। इस मुद्रा को आप, इसको आज रात में सोते टाइम में करिए, 15 मिनट पहले से, जैसे आप करते हैं उसके 15 मिनट पहले से ऐसी गहरी नींद में आप चले जाएंगे, और जब आप, क्या होता है ना, जैसी सोते टाइम आपका जो लास्ट विचार होता है, लास्ट कृत्य है सोते टाइम, कभी आपने पढ़ते टाइम आपने देखा होगा पढ़ते पढ़ते सो गए होंगे और जैसे उठते हैं तो किताब कॉपी लेकर उठते हैं कि कहां है कौन सा पढ़ रहा था, ऐसी करते हैं,
तो जब ये आप करते करते सो जाएंगे तो पूरी रात शरीर यही काम कर रहा होता है, शरीर को वही काम करते हुए जैसे आप अचेतन में डालेंगे तो शरीर वही काम कर रहा होता है जो आप अभी सोते टाइम में कर रहे थे। जैसे आप उठेंगे आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल फ्रेशनेस, उठते टाइम में आपको जैसे चाय की जरूरत पड़ती है, इधर उधर कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फ्रेशनेस की होगी। और कल के दिन में आप ये करिएगा, कलौंजी का तेल अगर किसी के घर में हो तो ठीक है, नहीं तो अभी टाइम हो गया, जिस चीज को मिल पाए आप देख लीजिए उसको, 5 बजे 6 बजे जो भी टाइम हो आपका उठने का, गर्म पानी लीजिए। और गर्म पानी ही अभी पीना है, जब जब पीते रहें, लार को सलाइवा को मिलाइए उसमें, एक जितना एक घूंट पानी लीजिए, पूरा सलाइवा मिलाइए ऐसे ऐसे करके और पी जाइए। अगर कुछ आ भी रहा है ना तो वो सलाइवा खत्म कर देगा, शरीर उसी टाइम छोड़ देता है, जैसी कोई प्रॉब्लम होती है शरीर को, शरीर मुंह में लार छोड़ देता है, उस लार को अगर आप गटक गए किसी तरह से तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। आप इसको करिए, इस वाले मेडिटेशन को करिए सोते टाइम में, और उठते टाइम में आप आधे घंटे के लिए शरीर को लेटे रखिएगा। शरीर जो उठते टाइम में जितना शांत होता है उतना पूरे दिन में कभी नहीं होता है, उस शरीर के उस स्थिति का यूज करिए, उसका उपयोग करिए, बहुत अच्छा रहता है उस टाइम मेडिटेशन के लिए। उस टाइम में आप फिर लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए जितना ले सकते हैं, फेफड़ा जितना फूल जाए उतना नेवल तक लीजिए और लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए। और इस क्रिया को दिन में याद तो रहेगा नहीं, फिर भी जब जब याद आए तब तब एक सांस के लिए याद आए, फिर मन भटक गया तो कोई बात नहीं, 2, 4, 5, 7 सांस, 7 सांस, 10 सांस जितना ले सके एक बार में उतना आप याद रहे तो ज्यादा से ज्यादा करिए। अब समझिए इसका साइंटिफिक क्या है, जब भी कभी आपके सांस में कभी दिक्कत होगी, जब भी कभी प्रॉब्लम होगी शरीर में, तो सांस आप नेवल पे, नेवल अपने आप सांस खींच लेगा उस टाइम में और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस मेडिटेशन को रखिएगा साथ में, और जितना मैंने बताया है कलौंजी का तेल, हल्दी, ये सब थोड़ा सा अभी आप यूज करिए। एक ध्यान रखिएगा, पक्का पक्का जिस शहर में भी हो, जहां भी हो, जो हवन की सामग्री में बोल रहा हूं जलाने के लिए, वो हवन की सामग्री जरूर जरूर और जरूर जलाइए। लोगों को ये सलाह भी दीजिए, और ना हो सके तो खुद पे जो पैसे बने इस पर्यावरण को वो दान दीजिए। अभी टाइम है दान देने का, कहीं कोई मंदिर वंदिर में जाके दान देने से आपका कुछ नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा, किसी को भी कुछ करने से कुछ नहीं हो रहा, अभी कर लो बहुत कुछ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।